हनुमानगढ़ में आज श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रामोत्सव यात्रा का आयोजन किया गया। ये रामोत्सव यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर के सामने से निकलनी शुरू हुई। इस रामोत्सव यात्रा में हजारों की संख्या में वाहन और लोगों ने शिरकत की और मुख्य आकर्षण हर बार की तरह ये चंक और धमाल की पार्टी रही। आगे की खबर से पहले देखते हैं इसकी एक झलक। इस रामोत्सव यात्रा में भगवान राम के साथ हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की झांकियां भी निकाली गई। इसी के साथ विभिन्न संगठनों ने महाराणा प्रताप जी और वीर सावरकर जी और बहुत सी अन्य झांकियां भी निकाली। उसके बाद जब ये रामोत्सव यात्रा शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से निकल रही थी तो मानो कि पूरा शहर भगवामय हो गया था। पूरे शहर में सिर्फ भगवान राम और हनुमान जी के भगवा झंडे ही दिखाई दे रहे थे। उसके बाद विभिन्न संगठनों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर और इनका जलपान व्यवस्था दे दी, जिसमें पूर्व मंत्री राम प्रताप जी के घर के सामने भी इस प्रकार की व्यवस्था थी। फिर रामोत्सव यात्रा शहर के भगत सिंह चौक से होते हुए हनुमानगढ़ टाउन की ओर प्रस्थान करती हुई हनुमानगढ़ टाउन में स्वागत के लिए खड़े थे आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के विद्यार्थी, जो जय श्री राम वंदे मातरम के नारों से इस रामोत्सव यात्रा का स्वागत करने वाले थे। उन्होंने स्वागत किया और उसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए हनुमानगढ़ टाउन के मुख्य बाजार से होते हुए यह रामोत्सव यात्रा हनुमानगढ़ टाउन की धान मंडी स्थित पंच मंदिर में पहुंची। वहां आयोजकों ने नृत्य के साथ इस रामोत्सव यात्रा का समापन किया। चलिए देखने दी बटनेर की ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि जय श्री राम आप सभी को विदित है, अपने 6 अप्रैल आज के लिए रामनवमी की जो ये धर्म यात्रा रखी गई थी, इसमें आपने देखा कि पूरा अपना शहर था वो भगवा में नज़र आया है और अपने पूरे शहर का और आसपास के ग्रामीणों का इतना बढ़िया सहयोग अपने को मिला है जिसकी अपने कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और सबसे बढ़िया कि हर व्यक्ति ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, चाहे वो धर्म यात्रा में साथ चलने वाले अपने युवा हों, बुजुर्ग हों, या फिर जिन्होंने इस यात्रा में पुष्प वर्षा के लिए जो लोग खड़े थे या जो शहर के जो प्रबुद्ध नागरिक थे जिन्होंने जगह जगह चाय की, दूध की, लस्सी की, अन्य जो व्यवस्थाएं थी इतनी ज़बरदस्त रही। आपने देखा कम से कम अपने 35 झांकियां थी जिसमें वाल्मीकि जी की, अंबेडकर जी की, वीर तेजा जी की, जम्बेश्वर भगवान की, गुरु नानक देव जी की, अपने श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, महाराणा प्रताप की, यानी इतनी झांकियां और इतना मनोरम दृश्य जो बना उसके लिए पूरा शहर अपना जो है, पूरा ग्रामीण जो अपना क्षेत्र है वो धन्यवाद का पात्र है। अपने जितने भी कार्यकर्ता इसमें लगे, क्योंकि हमने ये कोशिश की थी कि अपने जो स्वयंसेवक हैं वो इसमें पुलिस का कम से कम उपयोग अपने को लेना पड़े, ये प्रयास हमने किया था। तो अपने जितने भी कार्यकर्ता आपने देखा वो बिल्कुल एक मत होकर के और एक एकाग्र भाव रख करके और सब को सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। तो ये सारा जो अद्भुत वातावरण बना इसका श्रेय भगवान राम जी की कृपा और अपने जो संपूर्ण हिंदू समाज है इसने जो आगे बढ़ करके जो हिस्सा लिया उसी को जाता है। और मैं एक और सबसे बड़ी कहना चाहता हूँ कि राम जी का जो ये काम था ये केवल इतना मात्र नहीं था कि अपने धर्म यात्रा निकालें और जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम इसको बाद में विसर्जित करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य एक समरस समाज की रचना करना है, क्योंकि जागृत जब हिंदू जो है, सुप्त हिंदू है, वो हिंदू के मन में तो है लेकिन जो जागृत हिंदू है वो कुछ न कुछ करना चाहता है। और जागृत हिंदू की जो ये एक शक्ति थी वो आज प्रदर्शित हुई है। और सभी ने, क्योंकि यहाँ जब सब लोग आए थे तो किसी ने ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ या राजपूत हूँ, कि मैं बनिया हूँ, कि मैं कुमार हूँ, कि मैं मेघवाल हूँ, कोई भी, सब एक ही नारे के साथ चल रहे थे कि मैं हिंदू हूँ और जय श्री राम जो है मेरा परम वाक्य है।
इसी को सार्थक करते हुए लोग चल रहे थे। और यही अपना सबसे बड़ा जो उद्देश्य था कि समरस समाज की जो है वो रचना हो। दूसरा, अब मैं कार्यकर्ताओं को भी एक कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्य था ये राम जी का था और स्वयं लोग जागृत होकर के पहुँचे हैं, तो अपने को किसी को घमंड में भी नहीं आना चाहिए, किसी को ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि कोई भी इसमें किसी एक की वजह से कुछ नहीं हुआ, सब समाज लगा, उसी का ये परिणाम था कि इतने बड़े स्तर पर ये अपनी जो शोभा यात्रा है, आप जब कल अखबारों में और फोटो में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि चौं और भगवा ही भगवा था। तो आप सभी ने ये इतना बढ़िया तरीके से सहयोग किया, पुलिस का, प्रशासन का, जितने अपने यहाँ प्रबुद्ध लोग जो है इसकी सेवा में लगे उनका, अपने देव समान कार्यकर्ताओं का जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं हिंदू जागृत करने के लिए, उन सब का, पत्रकार महोदयों का, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मन से धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम। आज श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर रामोत्सव यात्रा शहर में निकाली गई। मैं सभी समुदाय के व्यक्तियों को जिन्होंने इस यात्रा में भाग लिया, मैं उन्हें बधाई देता हूं व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत ही शांत स्वभाव से व आपसी सद्भाव से ये यात्रा निकाली गई है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सुनने में नहीं आई है। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि इसी तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें एवं आपस में भाईचारा बनाए रखें। मैं भगवान श्री राम जी से भी प्रार्थना करता हूं एवं श्री हनुमान जी से भी प्रार्थना करता हूं कि आपकी कृपा हमारे शहर पर व हमारे प्रत्येक शहरवासी और हमारे प्रांत पर सदैव बनी रहे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुखी रहे।